चंडीगढ़ च इन्हीं दिनें लोगों के लिए पार्किंग की समस्या वधदी ही जा रही है। उते ही फिर चाहे चंडीगढ़ के सैक्टर 17 की गल हो या फिर शहर के किसी भी होर सैक्टर की, लोगों को पार्किंग के लिए दो चार होना ही पैंदा है। हालांकि शहर में पार्किंग के लिए बकायदा पैसे भी वसूले जाते हैं, पर इसके बावजूद भी लोगों को सही सहूलत ना मिलने के चलते लोगों को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पैंदा है। दस दी कि नगर निगम दे वल्लों ठेकेदारां नूं इह पार्किंग अलॉट की गई है, पर नगर निगम का इस वल कोई ध्यान नहीं है कि लोगों नूं किस तरह की सहूलत दी जा रही है ते पार्किंग ठेकेदार पार्किंग विच किस तरह की व्यवस्था नूं चला रहे ने। उते ही पार्किंग तो परेशान लोगों का भी कहना है कि पार्किंग के पैसे देने के बावजूद भी सही तरीके दे नाल पार्किंग दे विच गड्डियां खड़ियां नहीं हुंदियां, जिस दी वजह दे नाल कदे ना कदे उन्हां नूं अपनी गड्डी कढ़न दे लई घंटियां बद्दी इंतजार भी करना पैंदा है। ते उते ही अत्ते लगे हुए कूड़े हुए ढेरां तों भी लोकां नूं काफी परेशानी दा सामना करना पैंदा है। पार्किंग दे विच बहुत बुरा हाल है और ठेकेदार ऑन गेट दे उत्ते रहिंदा, पब्लिक नूं तंग करदे ने कि तुहानूं दस नहीं सकदे। जिहदे कोल 10 रुपए या 14 रुपए खुले ना होण, उन 10-15 मिनट उत्थे खड़ा करी रखते और फिर पैसे नहीं देंदे। फिर बंदा जे कि कोई गड्डी लेके अंदर आ जाए तो मगर दौड़ जाते और बेइज्जती करते। दूसरी समस्या कि जिंदी पार्किंग लगी हुई है कोई ठेकेदार का बंदा अंदर ब्लॉक के नहीं है और पार्किंग कोई सही नहीं लगी हुई और 10 गड्डिया अंदर वड़न दियाँ, उस तो बाद गड्डी लगन की जगह नहीं, इन्ना बुरा। तो हूँ इस चीज़ बारे सरकार को सोचना चाहिए कि ठेका देने तो पहलों कम से कम कुछ पहले एग्रीमेंट सही ढंग ना करे जिदा कि बंदे पब्लिक नूं प्रॉब्लम ना। जो ठेकेदार हैगा जी, वो ठेकेदार सिर्फ एक पैसे लेंदा है, पर्ची नहीं कटदा। पर्ची कटदा तो अंदर आके देखभाल कोई नहीं है, गड्डिया जिदा मर्जी लगी हैं, लोग अंदर हरासमेंट होंगे हैं, कूड़ा पार्किंग पाया होंगे है, कोई सफाई का ख्याल नहीं है। फिलहाल हुण देखण वाली गल होवेगी कि लोकां दी पार्किंग नूं लैके इस समस्या दे चलदे नगर निगम इन्हां दीआं समस्यावां दा हल कदों तक कढ़दा है ते कदों तक इन्हां लोकां नूं इस समस्या तों निजात मिलदी है। जगबाणी टीवी दे लई चंडीगढ़ तों भगवत सिंह दी रिपोर्ट।